हेलो फ्रेंड्स, आई एम रानू और आज मैं टाइम कैसे बताते हैं और पूछते हैं इंग्लिश में वो बताऊंगी। जनरली जैसे यहाँ लिखा है समय क्या हुआ वो सबको पता होगा मैक्सिमम। जैसे 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock, है ना। अगर ये बात आती है बजकर और बजने में तब होता है प्रॉब्लम। तो जैसे 2:15, 4:30, 5:10 है, है ना, 10:20 है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को। तो मैं क्लियर करती हूँ, जैसे टाइम क्या हुआ है तो व्हाट इज द टाइम, ठीक है, ये हो गया है समय क्या हुआ है तो व्हाट इज़ द टाइम। तो 2 बजे है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो इसके लिए इट्स 2 o'clock, इस टाइप से हम आंसर दे देंगे कि 2 बजे है तो इट्स 2 o'clock। अब बात आती है 2:15, तो जो मिनट होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा मिनट पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर आता है पास्ट, है ना, पास्ट, फिर होता है बजकर मतलब घर घंटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इतने बजकर इतने मिनट के लिए, तो मिनट पहले आ जाएगा, फिर बीच में लिखेंगे पास्ट, फिर जो घंटा होता है वो लिखेंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं 2:15 तो इट्स 2:15, इस टाइप से आप आंसर दोगे, ठीक है। 4:30 तो यहाँ पे लिखोगे इट्स 4:30, ठीक है। आप यहाँ 15 को क्वार्टर भी बोल सकते हैं और 30 को हाफ भी लिख सकते हैं, है ना, 15 को आप क्वार्टर भी लिख सकते हैं और 30 को हाफ भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आती है बात 5:10 है तो इसको लिखेंगे इट्स 10:05, है ना, बजने में है तो उसके लिए 2 लग जाएगा और यहाँ 10:20 है तो यहाँ लिखेंगे इट्स 20 पहले लिखेंगे, फिर 2:10, ठीक है। तो इस टाइप से आप बताओगे कैसे टाइम बताते हैं वो सिखाया आप मैंने आज आपको, ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी बता देती हूँ ताकि आपको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो और हमेशा के लिए लर्न हो जाए आपको। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जैसे बजकर कितने बजकर इतने मिनट, तो मिनट पहले आ जाएगा, फिर प्लस पास्ट लिख देंगे, फिर हावर जो घंटा है, 2:15 तो 2:15 है ना, 2:15 बजने में, तो बजने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मिनट प्लस 2 प्लस हावर, है ना, कि 2:15 है ना, बजने में है यहाँ पे, तो मिनट पहले आ जाएगा, फिर 2 फिर हावर, और बजकर 2:15 तो 2:15 और बजने में कि 2:15 है तो 2:15, ठीक है। इस टाइप से हम टाइम बता सकते हैं और किसी को सिखा भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।